नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच डबलिन के द विलेज ग्राउंड पर पहला T20I खेलने के लिए भारतीय टीम उतर चुकी है और भारतीय टीम ने जब टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने जब टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तब उसके बाद उन्होंने बताया कि वो बॉलिंग क्यों कर रहे हैं और बॉलिंग करने के पीछे मंशा क्या है। लेकिन जब प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तो प्लेइंग 11 से एक नाम नदारद दिखे और नदारद उनका नाम दिखा तो लोग जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचाने लगे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वो खिलाड़ी कौन है जिनको लेकर सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाने लगे हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सवाल पूछ रहे हैं कि इस खिलाड़ी को मौका क्यों नहीं दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो नदारद है और उनकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि संजू सैमसन है। संजू सैमसन प्रतिभाशाली खिलाड़ी, IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया और फिर उसके बाद जब भारतीय टीम घरेलू T20 सीरीज खेल रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की, तब भी उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किए, बहुत ज़्यादा लोगों ने हो हल्ला मचाया। लेकिन फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो घरेलू T20 सीरीज समाप्त हुई, फिर आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए जब भारतीय स्क्वाड का ऐलान हुआ तब संजू सैमसन का नाम उसमें दिखा, लोग खुश हुए। लोगों को लगा कि रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ जो T20 सीरीज खेली गई थी, घरेलू T20 सीरीज IPL से पहले, उस वक्त उन्होंने कहा था कि संजू सैमसन जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत कारगर साबित होंगे। ऐसे में लोगों को लगा कि डबलिन में जो पहला T20I खेला जाएगा उसमें संजू सैमसन को मौका मिलेगा, बट हार्दिक पांड्या ने जो प्लेइंग 11 बताई उसमें संजू सैमसन का नाम नदारद था, नाम उनका मौजूद नहीं था। और फिर एक बार ये सवाल जो है वो उठने लगा है कि संजू ऐसा क्या करे कि उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। संजू सैमसन के T20 करियर की बात करें तो वो 13 T20 भारत के लिए खेल चुके हैं, सर्वाधिक स्कोर उनका 40 के अंदर है, स्ट्राइक रेट भी उनकी थोड़ी सी खराब है। लेकिन संजू सैमसन के लिए एक बात अक्सर कही जाती है कि उनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। शायद ही संजू सैमसन ने कुछ मुकाबले एक साथ खेले हो। संजू सैमसन को लेकर अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि पहले आप उन्हें पर्याप्त मौके तो दीजिए, तब जाके वो अपने आप को प्रूव करेंगे। और संजू सैमसन को लेकर वही रवैया भारतीय टीम का, वही रवैया चयनकर्ताओं का, या तो वो स्क्वाड में नहीं होते और अगर स्क्वाड में होते तो वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए जाते हैं। इस बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है संजू सैमसन को के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आपको, यानी जाते जाते आप लोगों को आयरलैंड के खिलाफ जो प्लेइंग 11 भारतीय टीम ने चुनी है वो आपको बता देते। तो आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में आपको ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक विकेटों के पीछे नजर आएंगे, अक्षर पटेल आपको दिखेंगे, भूवी आपको दिखेंगे, आवेश खान, यूजी और उमरान मलिक को डेब्यू करने का मौका दिया गया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ये जो प्लेइंग 11 अभी हमने आपको बताई है इसमें क्या आपको कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, क्या कुछ और खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि संजू सैमसन के अलावा राहुल त्रिपाठी भी इस प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है। दीपक हुड्डा को मौका मिला है, संजू को मौका नहीं मिला, राहुल को नहीं मिला है। कमेंट करके आप बताइए आप लोगों को ये प्लेइंग 11 कैसी लगी और संजू सैमसन के साथ क्यों ऐसा भारतीय मैनेजमेंट कर रही है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।